कैसन गहूं बम रोग लगा जाते कही सरपंची तो बर्बाद कही दी सम का बताइए सरपंची यार गहूं लागत है होई का यार दवाई खादी डाले के प्रिय लागत है चल अब का बताइए यार सरपंची चक्कर में जहां देखा वहीं जरा जरा है सरपंच ठीक है कहाँ रहे दादू इंट तो रहे अपना कहाँ दे नहीं रहे अरे का बताई खोता खेती में देखा हो ही का गया गेहूं मा ये लागत है पानी बरसा एक के कारण आई हुई है ऐसा का बताई हो बैठा दादू आई बैठी हुई है चाव चाव मुआ बटुरा चावी आओ बतावा दे हो गया तो चावी ले या हाँ तो चावी ले दूसरे के तो खेत है आओ बतावा कहाँ रहे नफरा वह घर बन भाई को आवास आवास आवा है न तुहार नहीं आवा फार्म तो भरवाए हमने बता रहे हमने फार्म न भरवा रहे हमने तो 2 साल हो गए भरवाए नहीं बना घर घर हो गया हम पिलर पड़ी गया है तो अगले साल सरपंच बनने का विचार है कि नहीं आया उनका पैसा दे अब तो कहा है न बना अभी पहले अपन बताइए नहीं तो पैसों से दिक्कत न ले कर तुम्हारे खाती बताओ हम कई कहानियाँ हैं यह तो है कि रोड बनवा दे हम घरे तक का हाँ रोड तो बन गई अब घरे के पैसों आवास खाती दे हम तहाँ का ना नहीं आवे तो आवत नहीं ना फार्म भरा है तो फार्म भरे इसका होता है जब 2 साल से पैसा अटका है चल देखा पूछी थी भाई ठीक है ना जरूर पूछी देखी कहाँ है बरसात लागे वाला है पानी घर द्वार नहीं है तब का करब हाँ वो बात सही कहते बाकी सरपंच एक बार फोन बनाया बताई अब की तो गांव पूरा चेंज कर देखे ना अरे गांव अब कहा बताई गांव घर सब उजाड़ देख है देखो का फोन आवल ला है उठाइए ना उठाइए ना वह सिक्योरिटी के आवल ला है हैं कहां हम सिक्योरिटी साहब वही ही गांव के घूमत फिर तो जानते हैं उनका पंजीक सिक्योरिटी का उन पैसे तो मिलते है लगा सरकार के हां ये तो है चली हो गया देख तो कब चले जाई घर एक द्वारे कर गेहूं का पूरा नाश लग गया यार ये सरपंची कोनो काम की नहीं है पैसा के अलावा कुछ नहीं है तो वही सोच के अपना दिखाई नहीं है कहाँ रहे ना वही तक अरे कहा बताए इसमें इतना व्यस्त है मैं इतना ये कहते हूँ कि धावा पड़ा था वो कहते हैं कि धावा पड़ा था कहा बताई चली हो गया ठीक है चला चल जाइ तो का हाँ ठीक है यही हुई है।